फिजिक्स ग्रेड 10, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ सेफ्टी अलोन. माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन नैंड गेट. क्योंकि ये बर्गलर अलार्म है और ये सेफ्टी के लिए हाउसेज में, बैंक्स में, एनीवेयर एल्स इंस्टॉल हो सकता है, होता है बल्कि, ठीक है. नैंड गेट के लिए सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज नैंड गेट. नैंड गेट में टू इनपुट्स हैं, ये इसका सिंबल है नैंड गेट का, ओके. टू इनपुट्स, वन आउटपुट. जब हम एंड गेट के साथ नॉट इज गोइंग टू बी स्विच्ड, जब हम एड कर देते हैं नॉट गेट विद एंड, इट्स बिकम्स टू बी नैंड गेट. ये नैंड गेट बन जाता है. अच्छा, अब इस ट्रुथ टेबल जरा इसका जरूरी है, जो कि पहले वो मैं बताऊंगा, उसके बाद हम फिर टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि इसको समझना जरूरी है. व्हेन बोथ इनपुट्स आर एट जीरो, आउटपुट बिकम वन. दूसरा पॉइंट आप याद रखें, नैंड गेट के लिए एनी वन ऑफ द इनपुट बिकम जीरो आर लो. कोई एक इनपुट भी लो हो तो आउटपुट बिकम वन, मीन ऑन होगा. पॉइंट टू बी क्लियर. जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगी, हाई पे होंगी, उस वक्त ये इनपुट माय डियर स्टूडेंट्स जीरो होगा, ऑफ होगा. अभी जरा सर्किट देखिएगा, सर्किट में क्या है, सिंपल नैंड गेट यूज हुआ हुआ है. ये देखे ना, सिंपल नैंड गेट क्या है, टू इनपुट्स हैं ए एंड बी, ए के साथ रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरे के साथ हमने एलडीआर. अच्छा, एलडीआर को जरा समझिएगा, एलडीआर क्या है. एलडीआर के ऊपर जब लाइट फॉल होती है, इट ऑलवेज एक्स लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस शो करता है, उसमें करंट मैक्सिमम पास हो जाता है, एलडीआर. जो ही इसके आगे कोई इंटरप्शन आती है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हाई रेजिस्टेंस पे आ जाता है. हाई रेजिस्टेंस मीन के वेरी लो करंट, मतलब करंट में मिनिमम फ्लो होगा. जब भी हाई रेजिस्टेंस होगी, आपको पता है रेजिस्टर का काम यही होता है, जब हाई रेजिस्टेंस होगी तो लो करंट फ्लो होगा. वी यूज सिंगल नैंड गेट टू मेक अ बर्गलर अलार्म. अलार्म के लिए हमने एक सिंगल नैंड गेट लगाया है. माय डियर, मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है कि एग्जाम में आपने लिखना है, मैं आपको पॉइंट्स आपके लिए लिखती हैं. कंपोनेंट्स कौन कौन सी आपने यूज करने हैं, नैंड गेट, ये नैंड गेट है, एलडीआर, एक स्विच हमने लगाया है बटन की फॉर्म में, अलार्म ये वाला हमने लगा दिया है, ठीक है, सप्लाई हमने दी है और रजिस्टर है. ये सिक्स कंपोनेंट्स हैं. दोबारा सुने, नैंड गेट, एलडीआर, स्विच, अलार्म, रजिस्टर्स, ठीक है, और सप्लाई, पावर सप्लाई दी है, ठीक है जी. अच्छा, अभी आए जरा इसके ऊपर. देर आर टू वेज. जब पहला वेज ये है कि जब सप्लाई दी है, ए पे भी मैक्सिमम, बी पे भी मैक्सिमम, तो इस वक्त आपका अलार्म ऑफ है. ए पे भी वन है, बी पे भी वन है, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बर्गलर अलार्म स्विच भी ऑफ है, कोई मसला नहीं है, तो यहां पे आपको बर्गलर अलार्म ऑफ भी नजर में आएगा, मतलब कोई बर्गलर अलार्म कोई साउंड नहीं देगा. अलार्म मीन देयर इज नो साउंड, क्योंकि वन वन पे क्या है, जीरो. पॉइंट टू बी क्लियर. अच्छा, अभी हमने इसको स्विच करना है ऐसे कि सम ऑब्जेक्ट, कोई चोर आ जाता है, कोई और चीज उससे पास होती है, जो हमने बर्ग अलार्म सेट किया, उसके आगे से जो चीज गुजरेगी उस पर लाइट आगे ऑब्स्टिकल आ जाएगी. लाइट के आगे, इस लाइट के आगे ऑब्स्टिकल आ गई. ऑब्स्टिकल आ गई तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा. हाई रेजिस्टेंस पे करंट सप्लाई पीछे हुई हुई है, लो जाएगा. ये ऑलरेडी हाई पे है, तो एनी वन ऑफ द इनपुट बिकम जीरो, आउटपुट बिकम वन, तो बर्गर अलार्म आपका जनाब ऑन हो जाएगा. इनमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है. एक पॉइंट ये है कि जब एलडीआर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया एलडीआर. हाई रेजिस्टेंस मीन कि उसमें लो करंट फ्लो होगा, मीन जीरो, हम जिसको नॉर्मली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बताया था, डिजिटल में यह ऑन है या ऑफ है, यह लो है या हाई है, तो जीरो होगा आउट. तो जब जीरो बी होगा, वन ऑलरेडी करंट इस पे लो है, रेजिस्टेंस इस पे तो करंट फ्लो हो रहा है, वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, वो वन है, ऑन है, तो वन जीरो जीरो वन पे एनी वन ऑफ द आउटपुट बिकम बर्गर अलार्म इज गोइंग टू बी ऑन. कनेक्ट एलडीआर बिटवीन नैंड गेट एंड बी पॉजिटिव टर्मिनल. ये इसका पहला स्टेप है. व्हेन लाइट इंटरप्ट, जब लाइट इंटरप्ट करेगी तो एलडीआर एट बी पे लो हो जाएगा और इससे क्या होगा, आपका बर्गर अलार्म ऑन होगा. अभी जरा सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे.
अभी सपोज करें बर्गल अलार्म, ये एलडीआर एज इट इज है, इस पे लाइट फॉल हो रही है, लो रेजिस्टेंस पे है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने किसी सीढ़ियों पे या ऐसी जगह पे आपने ये स्विच फिट किया हुआ है और उसके नैंड गेट के साथ लगाया हुआ है, जब भी ये स्विच ऑन होगा तो इसके दो पाथ बनेंगे। अभी जब दो पाथ बनेंगे, चूंकि इधर से रजिस्टर है, इधर से रजिस्टर है, इधर तो करंट जा रहा है, फिर वही सिचुएशन बनेगी, या इधर वन होगा या इधर जीरो होगा। तो सिचुएशन आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स फिर से क्या होगा, क्योंकि एनी वन ऑफ द इनपुट बिकम जीरो, इनमें से कोई एक इनपुट जीरो हो गई तो फिर बर्गल अलार्म इज गोइंग टू बी ऑन। तीसरी सिचुएशन तो आपको पता ही है, या जब दोनों जब जीरो है तब भी बर्गल अलार्म ऑन होगा, ये स्विच और ये अगर इसके दरमियान को ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब भी। तो ये जो एलडीआर एट लो इनपुट पे जब आएगा, सेकंड पॉइंट लो इनपुट सिग्नल के ऊपर जब कॉज पॉइंट ए, तो स्विच तब ऑन हो जाएगा, तब यहां पे जीरो आ जाएगा। कभी ये ऑन है, कभी ये ऑफ है, कभी ये ऑफ है, कभी ये ऑन है, ये सिचुएशन इज गोइंग ऑन। क्योंकि सबसे पहले नैंड गेट को डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, नैंड गेट को। एलडीआर की मैंने सेपरेट फिगर बना के आपको एक्सप्लेन किया कि ये जब ये रेजिस्टर टाइप होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट ऊपर फॉल करें तो ये एलडीआर का सिंबल है, ये रेजिस्टर का सिंबल है। जब ये लाइट फॉल कर रही हो तो ये लो रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, एलडीआर मीन मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जब भी इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। एलडीआर एट लो इनपुट बी व्हेन लाइट इज इंटरप्टेड एंड कॉज हाई रेजिस्टेंस एलडीआर, लो सिग्नल के ऊपर आल्सो कॉज ए एट अ बर्गल अलार्म। जब भी एक कोई इनपुट लो पे आनी है तो माय स्टूडेंट्स बर्गल अलार्म इज गोइंग टू ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्लीज आराम से अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। दो वेज हैं, एक हमने एलडीआर फिट किया है, आपने कोई डोर के आगे से गुजरेगा या कोई भी ऐसी जगह से गुजरेगा, वो बर्गल अलार्म के आगे से जब कोई पास होगा तो वो लाइट इंटरप्ट होगी, जब लाइट इंटरप्ट होगी तो वो हाई रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, तो वो जीरो मीन ऑफ। तो वो एनी वन नैंड गेट लगाया हमने, एनी वन ऑफ द इनपुट बिकम जीरो, आउटपुट बिकम वन, वन मीन ऑन, तो बर्गल अलार्म इज गोइंग टू बी ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने कोशिश की है नैंड गेट को एक्सप्लेन करके और ये टू वेज के साथ हाउस सेफ्टी अलार्म को अंडरस्टैंड करने की। सर्किट डायग्राम की प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, ठीक है, ये इनपुट्स हैं, ये मैंने सर्किट के जरिए आपको डिटेल बताई है। थैंक यू।